भी कोई आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे और उसका वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि घर वालों को ऐसा कुछ पता चले क्योंकि प्रॉब्लम आ गई है। तो यार अभी अभी एक पंगा हो गया, आपका कंटेंट ही हटा दिया गया है, दोबारा यूट्यूब पर नहीं डाल देंगे, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। हेलो, सो यार अभी देखो रात हो रही है बहुत, टाइम देखो एक बार टाइम दिखाता हूँ आपको, रात के 11:54 15 अगस्त की बात है, ठीक है। अभी मैं वैसे ही वीडियो वगैरह देख रहा था यूट्यूब पे और कुछ देर पहले तक ही लगभग देखो मैं स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये वाला स्क्रीनशॉट, 991 सब्सक्राइबर थे, कितने बजे गए देखो 15 अगस्त रात 9:33 का, ठीक है। और मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं सोच रहा था कल तक होंगे, तो मैं बेफिक्री से अपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और अभी मैंने कुछ मिनट पहले ही बताया क्या देखा, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, ये देखो 1004 सब्सक्राइबर्स, और टाइम रात के 11:55 हुए हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग माय सजेस्ट। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे लिपस्टिक के 1000 सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं। बाय द वे इस चैनल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, 1080 सब्सक्राइबर, जब इसके 1000 हुए थे तो उसमें मैंने बहुत कुछ शेयर किया था और उससे ज़्यादा नॉलेज आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। अभी मैं इसको तुरंत अभी मोनेटाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसके देखो 4.6 थाउजेंड आवर्स का वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, अभी तक का ये पिछले 28 दिन का वॉच टाइम है 4637 घंटे, अभी तक लाइफ टाइम का देखें लाइफ टाइम का 4724 घंटे हो चुके हैं, तो हमारे ये एलिजिबल है। और सब्सक्राइबर लास्ट इस महीने में 936 सब्सक्राइबर मिले हैं और ये लाइफ टाइम का करें तो 960 क्यों दिखा रहे ये पता नहीं, लेकिन सब्सक्राइब अच्छा अपडेट नहीं हुए होंगे, समझ गया मैं। बाय द वे पिछले 48 घंटे में मेरे 21782 व्यूज़ आ चुके हैं, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मैं मोनेटाइज़, अभी इस वाले में एक ही वीडियो में सब कुछ करूँगा मैं, मोनेटाइज़ भी और सब कुछ। लेकिन अभी मैं कुछ मिनट के लिए वीडियो रोक रहा हूँ क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे ये वीडियो चेक कर लेता हूँ, एक ही चैनल मतलब एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट में दो चैनल कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका भी उसी वाले एडसेंस अकाउंट में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास एक ही मोबाइल है और मैं नहीं चाहता कि घर वालों को ऐसा कुछ पता चले, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे किसी भी यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ नहीं पता। 2 YouTube चैनल 1 AdSense account, वीडियो वगैरह देख लेता हूँ फिर मैं करता हूँ। तो यार एक प्रॉब्लम आ गई है, 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम होता है वो इसमें देखो दिखा नहीं रहा, इसमें कह रहा है कि 3900 फोर आवर्स का आपका हुआ है, 4000 हुआ नहीं है, बाकी ये 2-step वेरीफिकेशन ये तो मैं कर लूँगा, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो, लेकिन हमारा टाइम तैयार हो चुका है या तो ये अपडेट नहीं हो रहा होगा। अगर एनालिटिक्स में जाके देखें तो ऐप में ये देखो यार पिछले 28 दिन में 4600 घंटे का वॉच टाइम है, शायद मुझे लगता है अपडेट नहीं हुआ है, दिन में देखता हूँ फिर, अब रात को तो कुछ होने से रहा। तो यार अभी अभी एक पंगा हो गया, देखो ये क्या हुआ, अभी टाइम हुआ है देखो दोपहर के 2:14 16 तारीख यानी कि अगले दिन, और मेरे पास एक ईमेल आई यूट्यूब की तरफ से कि आपका कंटेंट ही हटा दिया गया है हम, और वो सेक्स एंड न्यूडिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हटा रहे हैं, जिसमें देखो मैंने अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करने का ट्यूटोरियल दिखाया था, जिसमें ये बोल रहे हैं कि अभी ये तो पहली बार हुआ है आपके चैनल पे तो अभी वार्निंग है, कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि मैंने ना तो उसमें अपना कोई प्राइवेट पार्ट दिखाया था, सिर्फ ये सिखाया था कि हेयर कट कैसे करते हैं प्राइवेट पार्ट्स के। अभी मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने एक अपील डाल ली है, ये देखो पहले तो ये दिखाता हूँ, ये वीडियो अभी ऐसे शो कर रही है यूट्यूब स्टूडियो में, ये देखो ये रिमोट शो कर रहा है और कुछ भी शो नहीं कर रहा, इस पर पहले जो कमेंट आया था ना वो भी अब ओपन नहीं हो रहे, और फिर ये वाला देखो जब मैंने उस यहाँ पे क्लिक किया रिमोट पे तो ये आया कि वार्निंग वगैरह कि अगर दोबारा होगा तो आपके चैनल को एक स्ट्राइक मिल जाएगी। फिर मैंने नेक्स्ट किया, मतलब अपील का ऑप्शन आया था
वो शायद स्क्रीनशॉट लिया नहीं गया। अपील पर क्लिक करने के बाद ये आया था, मैंने अपील की है कि ये, फिर ये आया नेक्स्ट, मेरी वीडियो मेरे को शो हो रही है, ये कह रहे हैं कि अपनी वीडियो देख लो कोई, अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके में कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप नेक्स्ट करो। तो मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद बोलते हैं कि आपको अभी अभी भी बता दो अपील करनी है या नहीं। तो मैंने किया कि हाँ मैंने अपील करनी है, तो मैंने सेकंड ऑप्शन क्लिक किया, फिर शेयर योर थॉट्स इस पर आके मैंने लिखा, ये देखो मैंने इस पर क्लिक करके मैंने इनको लिखा कि ये वीडियो में मैंने अपनी बॉडी हेयर्स को ट्रिम करने का ट्यूटोरियल दिया है और मैंने कोई प्राइवेट पार्ट्स वो नहीं किया है और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पजेज़ के लिए वीडियो बनी है। इसके बाद इन्होंने कहा कि 72 घंटे का टाइम लगेगा और फिर मैंने डिस्प्ले पे कनेक्ट कर दिया। फिर जब मैं अपने यूट्यूब का अगर वेबसाइट पे जब अपन यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो वहाँ खोलते ही मेरे को ये शो हुआ सेम चीज़ कि अपना कंटेंट रिव्यू करवाना चाहते हो का। मैंने रिव्यू कंटेंट पे क्लिक किया तो ये बोलते कि हम आपका कंटेंट रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही अपील डाल दी थी इस वजह से। बाय द वे अभी देखो एक चीज़ और है, अभी मुझे कन्फ्यूज़न है कि इसका वॉच टाइम काउंट होगा या नहीं होगा जो वीडियो हट गई इसका, लेकिन अभी मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में 4000 घंटे पूरे शो कर रहे हैं। ये देखो ये हो गए, तो हम अपने आगे की प्रोसेस करते हैं, अगर ये कोई दिक्कत आएगी तो करते रहेंगे। बाय द वे मैंने 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दी थी, आपको बताना भूल गया, लेकिन अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप पहले वाले चैनल की जो भी है उसमें एक एक चीज़ खोल के बताइए, इसमें तो मैं शॉर्ट में सब कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स स्टार्ट कर देता हूँ, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सीखने की दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने जो भी देखना है ना आप मेरी आई बटन पे वीडियो आएगी वो देख लेना, या फिर ये वाली वीडियो देखो आप मेरी, इसमें एक एक चीज़ खोल के बताइए एक एक चीज़। इसको एक्सेप्ट टर्म्स और चल रही है ऊपर लाइन, लोडिंग चल रही है लोडिंग, क्योंकि यार अगर उस वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा ना तो मेरी चैनल का मोस्टली वॉच काउंट उसी एक वीडियो से आया हुआ है। ये तो हो गया प्रूफ, डन हो गया। ये साइन अप गूगल एडसेंस के लिए करता हूँ, जो मेरा पुराना वाला चैनल है उस पे जो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है मैं उसी पे करूँगा। डू यू हैव, यस आई हैव, मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ। इस बार ये ओपन होने लगा है गूगल एडसेंस, ये मेरी डिटेल्स आ गई, योर वेबसाइट, यहाँ पे कुछ देना है क्या, शायद यूट्यूब चैनल का लिंक डालना है यहाँ पे, लिंक योर होस्ट अकाउंट विद योर क्लिक, शायद यूट्यूब चैनल का लिंक डालना है। एक बार मैं अपनी पुरानी वीडियो में चेक कर लेता हूँ मैंने क्या डाला था। सो अभी मैं वो वीडियो देख रहा था कि मेरे पास दूसरी ईमेल आई कि हमने आपके को अपील करने के बाद दोबारा चेक किया है और ये कहता है कि हमने कन्फर्म कर लिया कि आपका सेक्स और न्यूडिटी पॉलिसी को कन्फर्म कर लिया कि आपका करता है, और ये कह रहे हैं कि हम आपका कंटेंट दोबारा यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, और अगर वार्निंग थी तो आपको फ्यूचर में कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी, अगर स्ट्राइक थी तो स्ट्राइक आपके चैनल पे रहेगी। मेरे पे वार्निंग थी तो ये कह रहे हैं कि आपको फ्यूचर में कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। यार ये क्या बंदे हैं, मैंने कुछ भी ऐसा शो नहीं किया था जो सेक्सुअल या फिर न्यूडिटी को शो करता हो, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा हटा दिया। बाय द वे मैं वो वीडियो देखता हूँ, तो उसमें कोई लिंक नहीं डालना था, बस आगे एक्सेप्ट वाला बटन दबाना था, वो मैंने कर दिया है। बस मेरे को डर ये है कि पता नहीं उसका वॉच टाइम काउंट होगा या नहीं होगा जब वीडियो हटा दी उसका। ये क्या बात हुई, नॉट स्टार्टेड, क्यों हो गया, डन डन, अचानक से डन आ गया। ये इन प्रोसेस है, देखते हैं अभी, ये शायद कल तक होएगा, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। ये YouTube की तरफ से ईमेल आ गई है कि एडसेंस अकाउंट आपका कनेक्ट हो गया है। तो यार उसके बाद इन्होंने मतलब गूगल एडसेंस मेरा ज्वाइन हो गया था लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अभी जब मेरे को दोबारा 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना पड़ेगा तब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि एडसेंस से मेरा चैनल कनेक्ट हो गया, बस इतना ही है अभी तक। मैंने बहुत बार इनको ट्विटर पे टैग किया ये सेम चीज़ बोल बोल के कि मैंने यार न्यूडिटी कुछ शो ही नहीं की, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने प्राइवेट पार्ट्स के हेयर रिमूव किए थे तो मेरे को यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो मिली नहीं कि ठीक से समझ आए, तो मैंने अपनी बनाई कि चलो व्लॉग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। और 15 अगस्त का व्लॉग मैं आज 10 दिसंबर को डाल रहा हूँ, सॉरी बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि बीच में थोड़ी सी सिचुएशन भी ऐसी हो गई थी कि मैं ठीक से काम कर नहीं पा रहा था, और अभी फिर हाल चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का मैच, हार्दिक पांड्या ने क्या इनिंग्स खेल ली हैं। तो अभी तक इस चैनल पे मेरे 400 के करीब वॉच टाइम है, 400 घंटे वॉच टाइम आज के दिन है, 400 कुछ 4-5 घंटे फालतू होंगे,
तो अभी देखते हैं कब तक होता है। लेकिन जो मेन चैनल है उसके $10 पे जो ईमेल आता है ना, वो मुझे आ चुका है कई दिन हो गए, और मैं उसको ओपन करके और वो फॉर्म फिल नहीं कर रहा जिसके थ्रू घर पे वो पिन गूगल पिन वगैरह आता है, एडसेंस पिन वगैरह आता है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। इधर कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, उधर वो चाय सुट्टा बार में जॉब करने लग गया था, वो व्लॉग देख लेना आएगा थोड़े दिन में, चाय सुट्टा बार वाला, कैसे चाय बनती है, कैसे क्या काम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।